एमपी में जो हिंदी का पेपर होने वाला है वो आपका 1 मार्च को पेपर है। वार्षिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, एमपी बोर्ड की क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। सभी को पता है क्लास 10th स्टूडेंट्स, पूरा पेपर आपका 1 मार्च का, यहाँ से 100% क्या 101% यहाँ से बनेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार अपडेट मिलती रहे। पूरा पेपर का 1 से लेकर आपको 23 तक सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? आंसर आप बताएंगे, ऑप्शन यहां पर मैं दे रहा हूं, आप लोगों को बताइए। योग का, भक्ति का, प्रेम का, कर्म का? तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा योग का। किसका संदेश दिया? योग का संदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वात्सल्य रस के सम्राट हैं, वात्सल्य रस के सम्राट हैं कौन? नर हरिदास, सूरदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास? जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा सूरदास। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, गंतोक से युमथांग कितने किलोमीटर दूर था? तो गंतोक से जो युमथांग है वो 149 किलोमीटर दूर है, 139, 129, 150। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 149। ये प्रश्न ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, नोट करते चलना है, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि फिर मत बोलना बताया नहीं, पूरा पेपर आपका यहाँ से बनने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, एकमात्र तारा, एकमात्र सहारा, भाग जाना या थोड़े में अधिक कहना? तो यहां पर आंसर हो जाएगा थोड़े में अधिक कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, उसका नाम है कामायनी। कामायनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। चलिए अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, पहला खाली स्थान देखिए, महापुरुष में समास है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म में हुआ, तो लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में हुआ। मात्रिक छंद में की गणना होती है, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास की रचना है, बताइए इन दोनों में से सूरदास जी की रचना कौन सी है? तो सूरदास की जो रचना है वो है सूर सागर। फिर कविता वाली किसकी रचना है? ऑल स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कविता वाली किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां के मंदिर में सेनाएं बजाते थे, जो बिस्मिल्लाह खां है वो किसके मंदिर में सेनाएं बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में क्या बजाते थे? सेनाएं बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं, तो क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं 3-4, कितने होते हैं? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सत्यापत्ति में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, तिस्ता गुलाबी पत्थरों के बीच बहने वाली नदी है, तो इसमें क्या आएगा आपका, सत्य आएगा या असत्य आएगा? तो यहां पर आप क्या लिखोगे? सत्य लिखोगे, सत्य है ना, ऐसे लिख कर आना है आपको। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दूसरा, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है? जी नहीं, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, इसमें आप असत्य लिखोगे, है ना, गलती नहीं करना है किसी भी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है,
तो इसमें क्या लिखोगे, सत्य। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सत्य है, आनंद होता है, बिल्कुल सही है। अगला, एकांकी में अनेक अंक होते हैं, जी नहीं, इसमें क्या लिखोगे, असत्य लिखोगे, क्योंकि एकांकी में एक अंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, तो इसमें भी क्या लिखोगे, सत्य, 8 प्रकार ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते थे, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते थे, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक, उससे पहले आप सभी दोस्तों एक बार और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए साथियों, ताकि आपको इसी प्रकार अपडेट मिलती रहे। ऑल स्टूडेंट अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हाँ सभी से कहा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक आपका अब रहेगा 4, जिसमें आपको क्या करना है, जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ी हम देखते हैं, पहला जोड़ी पूरी बता देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें मिल नहीं पाएगा। तो जोड़ी देख लीजिए, यहाँ पर जलजात, जलजात को किससे मिलाओगे, जलजात का मतलब होता है कमल, कमल एक नंबर डला है, कमल से मिला दो। मधुकांकरिया, मधुकांकरिया का जो पाठ है वो है यात्रा वृत्तांत, और पाठ इन्होंने कौन सा लिखा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सेनाई वादक बिस्मिल्ला खां, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, वाचाल अधिक बोलने वाला, लोकोक्ति नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये जोड़ी आपकी मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, काव्य गुण के कितने भेद होते हैं, तो काव्य गुण के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। नाम कौन कौन से हैं उनके, नाम बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय में कौन सी संधि है, तो विद्यालय में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, और विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्या धन आले, क्या हो जाएगा, विद्या धन आले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटाव भारत का क्या माना जाता है, तो कटाव भारत का क्या माना जाता है, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर डॉल टावर लगेगा, स्विट्जरलैंड माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए, तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो है 1850 से 1900 तक। अगला क्वेश्चन आपका, सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं अनेकार्थी, क्या कहलाते हैं, अनेक आरती कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है, तो मुक्तक छंद के जो प्रणेता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हम क्या देखेंगे, प्रगतिवाद की विशेषताएं, 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम व उनकी रचनाओं के नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, 2 छायावादी कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला आपको बता देता हूँ, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत, किसी की भी आप 2 रचना लिख सकते हैं और उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका भी आपने याद करा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कवि के अनुसार फसल क्या है, और अतवा में देख लो, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व की बात कही गई है, ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। और अगला क्वेश्चन, रस की परिभाषा देते हुए अंगों के नाम लिखिए, तो रस की परिभाषा में दे देता हूँ यहाँ पर, देखिए सुनिएगा, किसी भी काव्य को पढ़ने सुनने व देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, और इसके 4 अंग होते हैं, कितने होते हैं अंग, 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। ध्यानपूर्वक वीडियो को पीछे करके वापस सुन लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में आपको व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन 9 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया, अतो वाला देख लो, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है,
और राम के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, दो नंबर के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसके प्रकारों के नाम लिखिए। देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उनके चार प्रकार होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और एक और कौन सा होता है, जल्दी से मुझे बताइए, कालवाचक। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इनको, मैंने वीडियो बना रखा है ना। अगर आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर भेजिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन 11 के बाद 12। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है, सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसी प्रकार आगे अपडेट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, अथवा वाला देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 करुण रस की परिभाषा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मुहावरी और लोकोक्ति में अंतर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पाठ से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं कृतिका से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में संदर्भ प्रसंग। अब इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है आपका, अब आपको कभी भूलने की इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्य हो तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर पुरवासी में इतर में अन्य। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसका अथवा वाला, और इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक मैं आपको बता देता हूँ कौन सा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आज के बाद ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये 19 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 19, इसका मैंने संदर्भ प्रसंग और भावार्थ सहित एक जबरदस्त वीडियो बना रखा है जिसमें आपको ट्रिक से मैंने संदर्भ प्रसंग को हल करना सिखाया है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद यदि हम बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला क्वेश्चन मैंने अलग से डाल रखा है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या सिस्टम है ये देखिएगा थोड़ा सा, ये गद्यांश है, क्या है गद्यांश, और नीचे भी एक और आएगा, ये देख सकते हैं आप, ये वाला, ठीक है, ये दो गद्यांश है, मैंने एक स्पेशल वीडियो इसका भी बनाया है, गद्यांश का और पद्यांश का, तो मैं उम्मीद करूंगा आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो वीडियो सेंड करूंगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम अगला, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखना है, जो आपका 4 नंबर का आएगा। अगर आपको लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है, इसका तरीका नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वीडियो सेंड करूंगा, इसका वीडियो मैंने विस्तृत रूप से बना रखा है, आपको लिखने का तरीका भी इसमें बताया है, ठीक है, और आपको 100% ये एप्लीकेशन पेपर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23वां, जिसमें आपको क्या लिखने रहते हैं, देखिए निबंध, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए, रूपरेखा के साथ लिखना है, ठीक है। अब निबंध 4 दे रखे हैं, इनमें से आप कौन सा लिखना चाहोगे आप डिसाइड कर लीजिए, और साथ ही अगर इनमें से आपको निबंध चाहिए कि मुझे ये निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको निबंध सेंड कर दूंगा, सारा मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, धन्यवाद। हाँ।